हे गाइस, मैं हूँ आरती और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी रेप्लिका प्लेटिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसे कि ये हमारे जीन क्लोनिंग की वीडियो सीरीज चल रही है, तो इसी जीन क्लोनिंग में ही एक मेथड हम परफॉर्म करते हैं, एक स्टेप आने के बाद, जिसे हम बोलते हैं रेप्लिका प्लेटिंग। रेप्लिका प्लेटिंग एक स्क्रीनिंग मेथड होता है। स्क्रीनिंग किस किस चीज़ की? स्क्रीनिंग की कौन से बैक्टीरियल सेल ट्रांसफॉर्म्ड हैं, कौन से बैक्टीरियल सेल ट्रांसफॉर्म्ड नहीं हैं। जैसे यहाँ पर ये बैक्टीरियल सेल है, तो ये ट्रांसफॉर्म्ड हैं। जिन बैक्टीरियल सेल में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इंसर्ट हो चुका है, और वो बैक्टीरियल सेल जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इंसर्ट नहीं हुआ है, उन बैक्टीरियल सेल को हम नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स बोलते हैं। तो किस बैक्टीरियल सेल में ये इंसर्शन हुआ है, किस बैक्टीरियल सेल में इंसर्शन नहीं हुआ है, इसको हमें स्क्रीन करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। तो इसकी स्क्रीनिंग को परफॉर्म करने के लिए हम दो तरह की टेक्निक यूज़ करते हैं, और वो टेक्निक डिपेंड करती है कि हमारे इस वेक्टर में, जो हमने इनिशियल स्टेज पर वेक्टर यूज़ किया, इस वेक्टर में किस तरह का सिलेक्शन मार्कर है। वेक्टर में दो तरह के सिलेक्शन मार्कर्स हो सकते हैं, या तो वेक्टर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पाए जाते हैं, या फिर वेक्टर में एक लैगजेड जीन पाया जाता है। अगर आपने क्लोनिंग के लिए एक इस तरह का वेक्टर यूज़ किया कि जिसमें लैगजेड जीन पाया जाता है, तो उस टाइम पर ये जो स्क्रीनिंग मेथड होगा, ये जानने के लिए कि कौन से सेल ट्रांसफॉर्म्ड है, कौन से सेल ट्रांसफॉर्म नहीं है, ये जानने के लिए हम परफॉर्म करते हैं ब्लू वाइट स्क्रीनिंग मेथड। लेकिन अगर आपने उस तरह का वेक्टर यूज़ किया है कि जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, एंटीबायोटिक जैसे कि एग्जाम्पल एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन, एम्प मतलब एम्पिसिलिन, टेट मतलब टेट्रासाइक्लिन, ये एंटीबायोटिक्स होती हैं। इस वेक्टर के पास, ये जो प्लाज्मिड यूज़ कर रहे हैं हम, इस प्लाज्मिड के पास एम्पिसिलिन के अगेंस्ट एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, इसी तरह से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पाया जाता है। अब सपोज हमारे इस वेक्टर में लैगजेड जीन नहीं है, लेकिन एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन जीन है, तो इस तरह के वेक्टर को स्क्रीन करना है हमें कि कौन सी बैक्टीरियल सेल में ये गया, कौन सी बैक्टीरियल सेल में नहीं गया। तो इसको स्क्रीन करने के लिए हम रेप्लिका प्लेटिंग टेक्निक को परफॉर्म करते हैं। तो रेप्लिका प्लेटिंग टेक्निक किस तरह से परफॉर्म करते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो जैसे जो सिलेक्शन मार्कर्स होते हैं, इन सिलेक्शन मार्कर्स में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाइजेशन साइट्स पाई जाती हैं। जैसे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, सपोज इसके बीच में ही सपोज बैम एच वन साइट पाई जाती है, या सपोज यहाँ पर ई को आर वन साइट पाई जाती है। इसी तरह से यहाँ एम्पिसिलिन में भी कुछ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की साइट्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेकर चल रही हूँ। तो जैसे अगर हमने इसको, इस वेक्टर को बैम एच वन के साथ क्लीव किया, बैम एच वन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ किया इस वेक्टर को क्लीव करने के लिए, तो बैम एच वन यहाँ आके क्लीव करेगा, क्योंकि उसकी जो रिकग्निशन साइट है वो यहीं पर है वेक्टर में। तो यहाँ से ये वेक्टर क्लीव हो जाएगा, खुल जाएगा, और इस क्लीव्ड वेक्टर में यहीं इसी जगह पर आकर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो लाइगेट हो जाएगा। तो देन लाइगेशन के बाद ये कुछ इस तरह का हमें रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल मिलता है। रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल में आप देखें कि टेट्रासाइक्लिन जीन के बीच में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हो चुका है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स में ये जीन इंसर्ट होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर एक मॉलिक्यूल में ऐसा इंसर्शन हो। कुछ वेक्टर मॉलिक्यूल सेल्फ लाइगेट भी हो जाते हैं, अपने आप में जुड़ जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन क्लीव हुआ था, लेकिन वापस से खुद से जुड़ गया। इस केस में देखिए, टेट्रासाइक्लिन जीन पूरा का पूरा कंप्लीट है, लेकिन यहाँ इस केस में देखिए, या और दूसरे केसेस में देखिए, टेट्रासाइक्लिन जीन ब्रेक हो चुका है। तो अब सपोज इस वेक्टर की अगर हम बात करें, इसमें टेट्रासाइक्लिन जीन ब्रेक हो चुका है। कौन सा जीन? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन ब्रेक हो चुका है। यानी अब इस वेक्टर के पास टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टिविटी ख़त्म हो गई है। देन नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम इन वेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं बैक्टीरियल सेल में। ऐसा नहीं होता कि हर एक बैक्टीरियल सेल में हमारा वेक्टर इंसर्ट हुआ हो। कुछ बैक्टीरियल सेल में इंसर्शन हुआ, कुछ बैक्टीरियल सेल में इंसर्शन नहीं हुआ, और कुछ बैक्टीरियल सेल में सेल्फ लाइगेटेड मॉलिक्यूल इंसर्ट हुआ।
तो ये जो जिसमें इंसर्शन हुआ, इस तरह की बैक्टीरियल सेल को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल, जिसमें इंसर्शन नहीं हुआ इनको हम बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल। तो कैसे पता चलेगा कि किस बैक्टीरियल सेल में इंसर्शन हुआ, किस बैक्टीरियल सेल में इंसर्शन नहीं हुआ? क्योंकि ये प्रोसेस हम टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म कर रहे होते हैं, लैब में टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेकेड आई से हम कुछ भी विजुअलाइज नहीं कर पाते कि कौन सी बैक्टीरियल कॉलोनी में हमारा रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल इंसर्ट हो रहा है। तो ये सिलेक्शन करने के लिए हम अगार प्लेट बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पेट्री प्लेट है। इस पेट्री प्लेट में अगार मीडिया यूज़ करते हैं। अगार मीडिया के साथ अगार न्यूट्रिएंट मीडिया होता है, जो बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है। न्यूट्रिशन चाहिए बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, तो वो न्यूट्रिशन अगार प्रोवाइड करता है। अगार के साथ साथ हम यहाँ पर एंटीबायोटिक भी ऐड करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट केस में अगर सपोज हमने एम्पिसिलिन ऐड किया, तो ये वो वाली प्लेट है जिसमें अगार प्लस एम्पिसिलिन है। तो अब आप इसमें से बताइए कि कौन कौन सी कॉलोनीज ग्रो करेंगी इस प्लेट पर। ये ग्रो नहीं करेगी, ये वाली बैक्टीरियल सेल ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि इसके पास वो वेक्टर नहीं है जिसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन हो। इस एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट जीन जिसमें होगा वो बैक्टीरिया यहाँ ग्रो कर पाएगा, इस एम्पिसिलिन से वो फाइट कर पाएगा, तभी तो वो ग्रो कर पाएगा। तो इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है, ये ग्रो नहीं कर पाएगी। लेकिन इसमें भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये तीनों तरह की बैक्टीरियल सेल यहाँ ग्रो कर पाएंगी। तो यहाँ से हमने एक चीज़ तो एकदम अलग कर दी, जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल थी जिसमें कुछ भी इंसर्ट नहीं हुआ था वो तो यहाँ ग्रो ही नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल तो यहाँ से हमने निकाल दिए। अब कन्फ्यूज़न है कि हमारी कौन सी बैक्टीरियल सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है और कौन सी बैक्टीरियल सेल में सेल्फ लाइगेटेड मॉलिक्यूल गया। तो देन इसको परफॉर्म करने के लिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप अब यहाँ आता है रैप्लिका प्लेटिंग मेथड। रैप्लिका प्लेटिंग में हम क्या करते हैं, तो ये वो वाली कॉलोनीज हैं जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट प्लेट पर ग्रो की, एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडिया पर। तो यानी इन सभी कॉलोनीज में वो वेक्टर है जिस वेक्टर में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। ठीक है, अब वो चाहे वो सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर है चाहे वो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है। देन उसके बाद हम एक वुडन ब्लॉक लेते हैं, जिस पर यहाँ ये आप देख सकते हैं एक वॉल्वेट का कपड़ा लगा रहता है, या फिर वुडन ब्लॉक भी हम सिंपली यूज़ कर सकते हैं। इस वुडन ब्लॉक को हल्का सा इस प्लेट के ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, प्लेट के ऊपर लेके आए, अब देखिए यहाँ पर ये कॉलोनीज प्लेट से इस वुडन ब्लॉक से चिपक गए, कॉलोनीज वुडन ब्लॉक से चिपक गए। और ये कौन से कॉलोनीज हैं, वो कॉलोनीज है जिसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। हर एक बैक्टीरिया के अंदर वो वेक्टर है जिसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। देन उसके बाद हमने इन कॉलोनीज को पहुंचाया कहाँ, उस अगार प्लेट पर जिसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक थी। ठीक है, तो ये सेकेंड प्लेट ऐसी है जिसमें टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, सेकेंड प्लेट में अगार प्लस टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। तो अब इन सारी प्लेट इसको ये जो वुडन ब्लॉक है जिस पर ये कॉलोनीज अटैच है, इस वुडन ब्लॉक को हम प्लेट के ऊपर इस तरह से हल्का सा टच कराते हैं, इतना काफ़ी होता है। जैसे ही हल्का सा हमने टच कराया, देन उसके बाद हमने इस प्लेट को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंक्यूबेट किया कुछ टाइम के लिए, ओवरनाइट मैक्सिमम हम इंक्यूबेट करते हैं, ओवरनाइट इंक्यूबेट किया। नेक्स्ट डे हम आके देखेंगे कि हमें सिर्फ 3 कॉलोनीज मिली। तो ये 3 कॉलोनीज वो कॉलोनीज होंगी जिसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट था। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन किन सेल्स में प्रेजेंट था, उन सेल्स में प्रेजेंट था जो सेल्फ लाइगेटेड हैं, ये वाला जीन जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हुआ है, वो वाले सेल्स, इनका टेट्रासाइक्लिन टूट चुका है, इनके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी अब नहीं रही। सिर्फ उन सेल्स के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है जिनमें सेल्फ लाइगेटेड मॉलिक्यूल था। तो अब यहाँ पर ये हमें वो वाली कॉलोनीज मिली जिसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, यानी इन कॉलोनीज में
इन कॉलोनीज में हमारा सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर है, सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर है इन तीनों कॉलोनीज में. देन अब हमारी एम्पिसिलिन प्लेट पर हम देखेंगे, एम्पिसिलिन प्लेट पर हमें पता है कि यहाँ यहाँ कॉलोनीज ग्रो हुई थी, ठीक है. और टेट्रासाइक्लिन प्लेट पर हमारी कहाँ कहाँ कॉलोनीज ग्रो हुई, इनकी पोजीशन हम देख लेते हैं, ठीक है. पोजीशन हम देख लेते हैं कि पोजीशन मार्किंग कर देते हैं, पोजीशन मार्किंग करते हैं प्लेट में ही कि यहाँ पर सारी कॉलोनीज ग्रो हुई थी इस एरिया में. सेम इसी तरह से हमने वुड से इन कॉलोनीज़ को सेम उसी पोजीशन से पिक किया और सेम उसी तरह से हमने वुड से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट प्लेट पर ग्रो कराया, ठीक है. टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग प्लेट पर ग्रो कराया. तो अब टेट्रासाइक्लिन में ग्रो हुई कॉलोनीज यहाँ, तो यानी जो बाकी रिमेनिंग सेल्स हैं, रिमेनिंग एरियाज हैं, रिमेनिंग एरिया जैसे ये वाला एरिया, ठीक है, और ये वाला, ठीक है. इस तरह से आप देखिए ये जो रिमेनिंग एरिया बचा, इस प्लेट पर हम वापस इसी प्लेट के पास पहुंचेंगे. इस प्लेट में हम देखेंगे, इन दोनों प्लेट के बीच में कंपेयर करके हम देखेंगे कि इस प्लेट में जो जो कॉलोनी ग्रो हुई है, वापस से ग्रो हुई है, यानी उसमें सेल्फ लाइगेटेड मॉलिक्यूल है, और जो ग्रो नहीं हुई, जो ग्रो नहीं हुई यहाँ पर, यानी ये वाली कॉलोनी ग्रो नहीं हुई, ठीक है, और ये कॉलोनी ग्रो नहीं हुई, ठीक है. इस तरह से ये ग्रो नहीं हुई, ये तो ग्रो हुई है. तो हम देख लेंगे कौन कौन सी ग्रो हुई, कौन कौन सी ग्रो नहीं हुई. तो जो ग्रो नहीं हुई, जो जिनकी ग्रोथ यहाँ हमें नहीं मिली, उन सभी कॉलोनीज में हमारा रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल है. और जिनकी ग्रोथ हमें यहाँ इस प्लेट पर मिली, उन सभी कॉलोनीज में हमारा सेल्फ लाइगेटेड मॉलिक्यूल है. तो इस तरह से रेप्लिका प्लेटिंग, दो बार हमने प्लेटिंग किया, रेप्लिका प्लेटिंग मेथड से हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कौन सी एग्जैक्ट कौन सी वो बैक्टीरियल सेल है जिसमें रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल एंटर हुआ. रेप्लिका प्लेटिंग क्योंकि यहाँ पर हम दो बार प्लेटिंग कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत का काम होता है, इसलिए ज़्यादातर लैब्स में ब्लू वाइट स्क्रीनिंग को प्रेफर किया जाता है, अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन ऐसे को, क्योंकि वहाँ पर सिंपली वन स्टेप में ही क्लियर हो जाता है कि कौन से सेल में रिकॉम्बिनेंट है और कौन से सेल में रिकॉम्बिनेंट नहीं है. आई होप ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा. और गाइज, आप मुझे अनअकैडमी पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां पर सभी तरह के एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है. आप चाहे किसी भी कॉलेज, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको यहां पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. और अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने के ये फ़ायदे रहते हैं कि डेली लाइव क्लासेस होती हैं, प्रॉपर डिज़ाइंड वे में स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहते हैं, टेस्ट होते हैं, क्विजेज होती हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, और अनलिमिटेड एक्सेस रहती है. जैसे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे साथ साथ आप दूसरे एजुकेटर्स के सेशंस भी देख सकते हैं, लाइव क्लासेस देख सकते हैं. और फीस अगर आप देखते हैं तो बहुत कम फीस स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पर फीस की डिटेल दी गई है कि कितने मंथ का कितना फीस रहता है. और मेरा अगर आप यहाँ पर रेफरल कोड का एक ऑप्शन आता है, अगर आप प्लस के लिए सब्सक्राइब करना चाहेंगे तो रेफरल कोड के लिए एक ऑप्शन आता है. मेरा रेफरल कोड है आरती रानी. अगर आप इस कोड को अप्लाई करते हैं तो आपको इस फीस में, ये जो यहाँ पर गिवन है, इस फीस में 10% डिस्काउंट मिल जाता है. तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इस नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं. मैं अनअकैडमी पर भी लाइव सेशंस लेती हूँ. एंड आई होप ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा. एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में.